स्वीडन रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स के सामने जो बिगेस्ट चैलेंज होता है इज टू फाइंड अफोर्डेबल एंड सूटेबल अकोमोडेशन इन स्वीडन आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जलंधर यूरोप स्टडी वीजा की वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की की हुई है पिछले वीडियो में मैंने स्वीडिश रेजिडेंट परमिट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की थी आज हम स्वीडन में अकोमोडेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं तो एकोमोडेशन ढूंढने के लिए जो फर्स्ट सोल्यूशन होता है स्टूडेंट के पास स्वीडन में यूनिवर्सिटीज़ अपनी अकोमोडेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफ़र करती हैं बट ध्यान रहे कि ये अकोमोडेशन सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती हैं सो जनरली हमने इंडिया में ट्रेंड देखा है स्टूडेंट्स जनरली स्वीडिश रेजिडेंट परमिट अप्रूव होने के बाद ही अकोमोडेशन फ़ाइंड करना स्टार्ट करते हैं एंड इन दिस टाइम ये अकोमोडेशन जनरली फुल हो जाती हैं एंड अगर आप स्पाउस एंड किड्स के साथ आ रहे हो और आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन मिल भी जाती है तो कीप दिस थिंग इन माइंड इट माइट नॉट सूट यू बिकॉज इन दिस केस यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में आप चेक करें कि आपको शेयर्ड किचन मिलती है और आपको ये खास ध्यान देने वाली बात है कि वो शेयर्ड किचन है वो आप कितने और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हो कहीं आप पचास स्टूडेंट्स के साथ वो किचन तो नहीं शेयर कर रहे अगर ऐसा है तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं दैट मींस आपको किचन में फूड बनाने के बाद इंस्टेंटली किचन को क्लीन करना रहता है फूड खाने से भी पहले सो यू नीड टू चेक ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड अगर आपको वो सूट नहीं करती है तो देन ऑल्सो यू डोंट नीड टू वरी देयर इज़ अ सोल्यूशन काफ़ी सारी हाउसिंग कंपनीज हैं स्वीडन में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन फाइंड करने में हेल्प कर रही हैं तो uh, दो ऐसी uh, जो हाउसिंग कंपनीज़ हैं मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ एक हाउसिंग कंपनी है जिनकी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट ट्रिपल एस बी डॉट एस सी और सेकेंड दैट इज ब्लॉकेट बोस्टेड बी एल ओ सी के ई टी ब्लॉकेट बी ओ एस टी ए डी बोस्टेड इसको आपको सर्च करने पर ये भी हाउसिंग uh, कंपनी मिल जाएगी बट कीप दिस थिंग इन माइंड हाउसिंग कंपनीज़ पर भी आपको अकोमोडेशन हर टाइम अवेलेबल नहीं है आपको टू और थ्री वीक्स के लिए इन पे लगातार सर्च करते रहना होगा टू और थ्री वीक्स का वेटिंग टाइम है अकोमोडेशन सर्च करने के लिए आप जितना यूनिवर्सिटी के पास अकोमोडेशन सर्च करोगे ये वेटिंग टाइम और भी बढ़ जाएगा एंड अगर कॉस्ट की बात करें तो थ्री थाउजेंड टू फोर थाउजेंड स्वीडिश करोना पर मंथ के रेंट पे आपको आ, रूम्स मिल जाएंगे Uh, जो कि अनशेयर्ड रूम्स एक स्टूडेंट के लिए अगर आप किड्स और स्पाउस के साथ रहना चाहते हैं तो दैट इज थ्री थाउजेंड टू फोर थाउजेंड स्वीडिश करोना जिसमें अटैच वॉशरूम होगा एंड अगेन शेयर्ड किचन होगी एंड इन द लास्ट आई वॉन्ट टू टेल यू बी बीवेयर ऑफ स्कैमर्स आप एक्मोडेशन uh, के लिए पैसा ट्रांसफ़र करते हुए बहुत ही केयरफुली एक बार उस वेब पोर्टल को या फिर हाउसिंग कंपनी या फिर उसके लैंडलॉर्ड को एक बार केयरफुली उसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह स्टडी कर लें ओनली देन यू नीड टू ट्रांसफ़र द मनी एंड दैट्स ऑल फॉर अकोमोडेशंस एंड इन द कमिंग वीडियोस हम स्वीडन के और भी काफ़ी सारे इन्फ़ॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे एंड ज़रूरी है कि इस चैनल से जुड़ा जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें थैंक यू